सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं नितिन कुमार। आज इस डिबेट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा। हरदोई के माघवगंज थाने का ये वीडियो है जहां पर नवी की एक छात्रा जन सुनवाई के दौरान रोती हुई नजर आई है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो शनिवार का है जहाँ पर ये छात्रा थाना अध्यक्ष के पास पहुँची थी जन सुनवाई केंद्र पर और इसने वहाँ पर एक शिकायत की। उस शिकायत में इसने ये कहा है कि मैंने एक भौतिक विज्ञान की जो किताब है वो एक दुकान से खरीदी है, उस किताब का जो दाम है वो 765 रुपया है लेकिन दुकानदार ने मुझसे 850 रुपये लिए हैं, 80 रुपये बढ़ा करके। उसके बाद ये जो मामला है ये प्रकाश में आया है। ये जो बच्ची थी ये रोती हुई नज़र आई है, इसने रोते रोते ये कहा है कि मेरे पिता मजदूर हैं और किसी तरह से मैंने ये पैसे जुटा करके ये किताब खरीदी थी, 85 रुपये ज़्यादा उस दुकानदार ने मुझसे लिए हैं और आप लोग मेरे इस पैसे को वापस दिलवा दीजिए। मैंने उससे ये भी कहा है कि मैं एक उपभोक्ता हूँ और उपभोक्ता के लिए उसका हक बनता है कि उसका जो भी पैसा उससे ज़्यादा लिया गया है वो उसे वापस किया जाए। फिलहाल पुलिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और उस बच्ची के 85 रुपये जो एक्स्ट्रा उस दुकानदार ने लिए थे वो उसे वापस दिलवा दिए। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारे देश प्रदेश में अभी भी एक एक पैसा, दो दो पैसा, चार चार पैसा बचाने के लिए हम और आप काफ़ी जद्दोजहद करते हैं, सारा सारा दिन मजदूरी करते हैं, काम करते हैं ये सोचकर कि जब शाम को अपने घर पहुँचेंगे तो आसानी से दाल रोटी का इंतज़ाम हो जाएगा और अपना और अपने परिवार का पेट भर लेंगे। लेकिन इस वक्त एक बहुत ही अहम मुद्दे पर चर्चा हो रही है देश प्रदेश में और वो मुद्दा है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये GST काउंसिल की जो पिछले महीने एक बैठक हुई है उसमें हम जैसे या आप जैसे लोगों के पेट पर भी सरकार ने बड़ा सा टैक्स का ठप्पा लगा दिया है। मिल्क प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगा दिया गया है GST के नाम पर, आटे पर टैक्स लगा दिया गया है, चावल पर टैक्स लगा दिया गया है और ये उस देश प्रदेश की कहानी है जहाँ पर चार चार पैसे, आठ आठ पैसे, एक एक रुपए बचाने के लिए हम और आप प्रयास करते हैं। जिस बच्ची के बारे में मैंने बताया वो एक महिला है, बड़ी होकर के वो भी अपना घर चलाएगी, अभी तो वो बालिका है लेकिन जब बड़ी हो जाएगी तो वो भी अपना घर चलाएगी और उस दौरान वो ये समझ रही होगी कि कैसे उसने 85 रुपए के लिए एक समय पर एक बड़ी लड़ाई लड़ी थी और वो एक एक पैसा बचाने की कोशिश करेगी ताकि जो उसका घर है, जो उसका परिवार है वो सही तरीके से चल सके। हमारी आपकी माँ, बहन, पत्नी ये सब भी इसी प्रयास में रहती हैं कि कुछ भी करके एक एक पैसा, दो दो पैसा बचाया जाए ताकि महीने के अंत तक जो खर्च है वो आसानी से चलता रहे। लेकिन इस वक्त हम खाने पीने की चीज़ों के नाम पर इतना ज़्यादा पैसा अदा कर रहे हैं वो भी टैक्स को जोड़ करके, जो कहीं ना कहीं हमारी और आपकी जेब से काफ़ी बाहर होते जा रहा है। GST जैसी समस्या सबके सामने खड़ी है। ये GST क्यों लगाया गया, इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्योंकि जब GST लागू हो रहा था तो उस दौरान बताया यही गया था कि खाने पीने जैसी चीज़ों पर GST का प्रकोप उतना नहीं रहेगा, लेकिन पिछले महीने की GST काउंसिल की बैठक के बाद ये प्रूफ हो गया कि मिल्क प्रोडक्ट्स, खाने पीने की चीज़ें, आटा, दाल, चावल, इन पर भी GST लगाया गया है। कल से ये लागू भी हो गया है बाज़ारों में, आज से इसके दाम भी जो हैं वो अब GST के नाम पर बढ़ा करके दिए जाने लगे हैं। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर GST इतना ज़रूरी क्यों था, क्या इस GST के लगाने से सारे रास्ते जो हैं वो खुल जाएंगे, बाज़ार बेहतर हो जाएगा, या सिर्फ और सिर्फ हमारी और आपकी जेब के साथ साथ हमारी और आपकी पेट पर समस्याएँ के प्रश्न चिन्ह खड़े करने के लिए ये फैसला लिया गया। बयान सुनिए और उसके बाद मैं इस डिबेट को शुरू करता हूँ। उसकी समस्याएं बहुत हैं, उसको नहीं कहा जा सकता है कि दिन पर दिन महंगाई झेलना हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है। 100-200-500 कमाने वाला आदमी, उस पर अगर बर्डन बढ़ाते ही चले जाओगे तो स्कूल की फीस, दुनिया भर के तमाम खर्चे रहते हैं, आप तो समझ ही सकते हो। लेकिन सरकार ये चीज़ नहीं समझ सकती, सरकार सिर्फ अपनी मनमानी किए जा रही। क्या गुजारिश रहेगी सरकार?
सरकार से मेरी यही गुजारिश है, इन लोगों को सहूलियत दी जाए। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास इसमें पिस रहा है, बाकी कुछ नहीं। ये लोग कह रहे हैं कि अनाज बांट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब दिखावा है। फ्री का नहीं चाहिए हमको, लेकिन जो हमारा है हमको तो दो। हमारे जेब पे बहुत असर आएगा, तनख्वाह थोड़ी नहीं बढ़ जाएगी भाई। जिसको जो बढ़ाना है वो बढ़ा रहा है, और तनख्वाहें थोड़ी ना बढ़ जाएंगी, तंगाई तो होएगी, लोग भूखों मरेंगे मरेंगे भाई। हम लोग तो रोज़ कमाने वाले, रोज खाने वाले, तो इस पर बहुत असर पड़ेगा। ये गलत है ना, ये बहुत गलत है। कम से कम तनख्वाहें ना बढ़ाई जाए तो कम से कम महंगाई तो कम करी जाए। असर तो आएगा ही आएगा, ये बताइए। ये तो हर व्यक्ति की आवश्यकता है, इस पर जीएसटी का कोई मतलब नहीं था। सरकार को नहीं लगाना चाहिए, बस एक ही बात है ये, इस पर जीएसटी नहीं होना चाहिए। और जीएसटी लगा के और महंगाई को इन्होंने बढ़ा दिया सर। लेकिन कोई इससे फ़र्क तो नहीं पड़ा, महंगाई ही बढ़ी, इससे कोई वो राहत नहीं मिली कुल मिला के। अब सरकार की क्या मंशा है अब सरकार ही समझे। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान है वो सभी जुड़ गए हैं। सुनील शाह साहब हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए हैं, नितेंद्र यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, प्रदीप तिवारी जी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, और राम बाबू रस्तोगी जी हमारे साथ व्यापारी नेता के रूप में जुड़े हुए हैं। आप सभी मानों का आज के इस डिबेट में बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ी देर में संजय गुप्ता जो कि व्यापारी नेता है वो भी हमसे जुड़ेंगे, उनसे भी हम रूबरू होंगे। सबसे पहले मैं प्रदीप भाई आपके पास आना चाहूँगा, क्योंकि जब से मैं देख रहा हूँ इस डिबेट को शुरू मैंने किया तब से आप कुछ लिख पढ़ रहे हैं। ये जो जीएसटी का फैसला लिया गया है खाने पीने की चीज़ों पर, मिल्क प्रोडक्ट्स पर, आटे दाल चावल पर, इससे कितना असर पड़ेगा और आपको क्या लगता है कि फैसला लेना कितना सही है? देखिए, मोदी सरकार जब से ये गब्बर सिंह टैक्स लाई है तब से इसका विरोध हो रहा है। ये टैक्स लाने के पीछे जो मंशा थी उनकी, वो ये दिखाना चाह रहे थे कि इससे क्या होगा कि देश की प्रगति की तरफ, देश हमारा जो प्रगति की तरफ है वो बढ़ जाएगा। मगर हो क्या रहा है, अगर आप देखेंगे तो हो उसका उल्टा रहा है। आप देखेंगे तो पुअर्टी में आप हम छलांग मारते जा रहे हैं, नाइजीरिया से भी आगे निकल गए हैं हम आज की डेट में। तो प्रगति तो हो नहीं रही है, मगर आप क्या कर रहे हैं, अभी जो गरीब व्यक्ति है इस देश का, जो 100-200 की दिहाड़ी करता है, रुपए कमाता है दिन भर में, उसके मुंह का निवाला तक आप छीन लेना चाहते हैं। आपने क्या किया कि अभी तक की तो खुदरा जो चीजें मिलती थी, ग्रोसरी की जो चीजें होती थी, उन पे नहीं लग रहा था, कोई भी टैक्स नहीं लग रहा था। बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो मिल्क प्रोडक्ट जैसे आपने बताया, अभी आपने एक बच्ची का उदाहरण दिया, स्टेशनरी पे भी इन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, 12-18% कर दिया वो टैक्स। बहुत से पे तो 0% टैक्स था। खाने पीने की चीजें जैसे हैं, अभी आपने बताया, जैसे जो आम जरूरतें हैं आज आज की, देखिए बिल्कुल हर व्यक्ति का डेली रूटीन का जरूरत है। आपको लगाना था, आप पहले से टैक्स लगा रहे थे, जो पैकिंग में आ रहा था, ब्रांडेड जो आ रहे थे कंपनियों के आटे या चावल, उन पे लग के आ रहा था। मगर क्या था कि अभी जो खुले में जो गरीब व्यक्ति है खरीद लेता था, बहुत सारे आप देखते होंगे दिहाड़ी है, दिन भर में उन्होंने अपनी मजदूरी करी और 200 रुपए प्राप्त किए। पता चला कि जो उनका 5 लोगों का 6 लोगों का परिवार है, उन्होंने 100 रुपए का जो राशन ले लेते थे, आपने एकदम से उसके ऊपर बोर्ड डाल दिया, वो 150 का मिलेगा, 140 का मिलेगा। पता चला कि जो वो व्यक्ति 50-100 रुपए जो बचा के रखता था अपने इमरजेंसी के लिए, बीमारी के लिए, आपने कहा कि हम आपको अस्पताल भी नहीं जाने देंगे, और अगर आप अस्पताल जाना चाहेंगे तो वहां के कमरे के ऊपर भी टैक्स लगा दिया गया है, अस्पताल का जो कमरा है उस पर भी टैक्स बढ़ा दिया गया है। तो आप चाहते क्या हैं, इस देश के गरीब व्यक्ति को आप मारना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहते हैं, ये आपको बताना पड़ेगा। आपका जो 2014 से लेकर के अभी तक की जो केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, उसमें देखेंगे अगर आप, तो जो इनके मित्र हैं, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, सिर्फ उन्होंने ही तरक्की को छुआ है। क्या किसी गरीब व्यक्ति ने जो 200 की दिहाड़ी करता था उसके लिए क्या प्रधानमंत्री जी ऐसी योजना लेकर के आए हैं जो वो तरक्की के पथ पे आगे बढ़ सके? बड़े बड़े इनके यहाँ इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं, कौन सी वो इकोनॉमिक्स, कौन सा उन्होंने टैक्सेशन का ऐसा फार्मूला पढ़ लिया कि गरीब व्यक्ति जो 200 की दिहाड़ी कमाता उसकी जेब से भी निकालना इनके लिए मजबूरी बन गया कि उस पैसे को लेकर के। एक तरफ तो आप वो पैसा निकालेंगे, दूसरी तरफ क्या करेंगे, बैंकों के माध्यम से आप क्या करते हैं, एनपीए कर देते हैं। किसका करते हैं एनपीए में, किसको कर देते हैं, अनिल अंबानी को एनपीए कर देंगे। कुछ मित्र तो आपके भाग गए हैं पैसा लेकर के, 1000 करोड़ यहाँ का, वो किसका पैसा है, उसकी भरपाई आप किससे ले करवाना चाहते हैं? अगर आप देखेंगे तो सब घूम फिर करके वो पूरा जा करके कनेक्शन किसका होगा, जो एक निचली पायदान पे खड़ा हुआ व्यक्ति है और एक जो हवाई जहाज में, जिसको मोदी जी हवाई जहाज में चप्पल से
हवाई चप्पल पहनवा करके उड़ाने वाले थे, मोदी जी हवाई चप्पल पहना के उड़ा तो नहीं पाए, मगर उसकी जेब से पैसा निकाल करके उन उद्योगपतियों की जेब में डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। ठीक ठीक, मैं आता हूँ। राम बाबू रस्तोगी जी हमारे साथ व्यापारी नेता के रूप में है। राम बाबू रस्तोगी जी, कितना बदलाव आएगा ये जो टैक्सेस बढ़े हैं जीएसटी के नाम पर खाने पीने की चीज़ों पर, क्योंकि आप लोग तो बाजार से ही जुड़े हुए हैं, मार्केट से जुड़े हुए हैं, जनता से आप लोग दिन भर रूबरू हुआ करते हैं, क्या बदलाव आएंगे इन टैक्सेस के बढ़ने के बाद? देखिए 2014 में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी तो इन्होंने देश के व्यापारियों से और देश के नागरिकों से बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, महंगाई घटेगी, बेरोजगारी घटेगी, रोजगार बढ़ेगा, व्यापारी स्वतंत्र होकर अपना व्यापार करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। इन्होंने जब जीएसटी को लॉन्च किया तो देश के व्यापारियों ने स्वागत किया, देश के व्यापारियों ने प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो आदेश पारित किया गया जीएसटी का, उसका व्यापारियों ने बहुत जोरदार स्वागत किया, और इन्होंने पहले ये कहा था कि हम जीएसटी उतना ही लागू करेंगे जितना वैट में चल रहा था, वैट से भी कम रखेंगे। शुरुआती दौर में 120 प्रोडक्ट जीएसटी से बाहर थे, अब ये आलम आ गया है कि वो सारे 120 प्रोडक्ट जीएसटी में चले गए हैं, 8, 12, 18 और 28 चार स्लैब में इन्होंने जीएसटी को डिवाइड कर दिया है। जब फुटकर जो हमारे अनाज हैं, जो खाद्य वस्तुएं हैं फुटकर की, जिसपे जो जीएसटी के दायरे से बाहर होती थी, उनको अभी जब जीएसटी की बैठक हुई है केंद्र सरकार की, तो उसको जीएसटी के दायरे में ले आए हैं, और ये तो अभी थोड़ा सा लागू किया है इन्होंने कि देखें देश की जनता का रुख क्या है, अगर देश की जनता इसका विरोध करेगी तो आगे ये इसमें संशोधन भी करेंगे अगली बैठक में, ऐसा मुझे सूत्रों के द्वारा प्राप्त हुआ है खबर, बढ़ाया जा सकता जी, उसमें ये करेंगे कि उसमें से कुछ प्रोडक्ट को 3% के दायरे में लाएंगे और बाकी 5% को उठा के 8% में कर देंगे ये। तो मैं भारत के सभी 125 करोड़ जनता से ये अपील करता हूँ कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, संपूर्ण राज्य के नागरिक सड़क पे उतरिए, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रधानमंत्री जी बिल्कुल हिटलर शाही और तानाशाही पे लगे हुए हैं, देश हमारा कहां पे था और कहां आकर खड़ा हो गया, 62.33 रुपए में डॉलर 2014 में था जब प्रधानमंत्री जी ने कुर्सी संभाली थी आदरणीय मोदी जी ने, आज डॉलर हमारा 80 रुपए पार कर गया है, यही प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में कहते थे कि क्या कारण है कि देश का नोट पतला होता जा रहा है और देश की करेंसी जब गिरती है तो देश की प्रतिष्ठा गिरती है, आज प्रधानमंत्री जी देश आपसे पूछ रहा है कि क्या कारण है कि देश का नोट पतला भी हो गया, छोटा भी हो गया और डॉलर को आपने 80 रुपए से ऊपर पहुंचा दिया। प्रधानमंत्री जी ने जो भी किया वो कभी बताया नहीं, और जो इनको करना होता है वो आधी रात को लागू कर देते हैं, जैसे डिमोनिटाइजेशन इन्होंने किया, सभी व्यापारी बर्बाद हो गया। 2 से 3 साल तक 8 नवंबर 2016 को जब डिमोनेटाइजेशन किया तो तब से लेके 3 साल तक व्यापारी पनप नहीं पाया, और जैसे थोड़ा सा मार्केट में उभरा वैसे जीएसटी की दूसरा प्रहार कर दिया इन्होंने, तो प्रहार पे प्रहार करते हुए व्यापारी को धराशायी करने का काम केंद्र सरकार कर रही है, और अगर देश के व्यापारी अभी होश में नहीं आए, चेते नहीं, तो ये जीएसटी उनके ऊपर भारी पड़ेगी, और जो देश के नागरिक हैं वो नागरिक, जैसे एक मजदूर, आम मजदूर की इस समय दिहाड़ी 400 से 500 रुपए मजदूर की दिहाड़ी होती है, मिस्त्री की दिहाड़ी होती है 700 से 800 रुपए, 400 रुपए वाला दिहाड़ी मिस्त्री शाम को 2 किलो आटा लेके घर जाता है, वो आलू लेता है, प्याज लेता है, सब्जी, सारे अपने सब्जी के और खाने के सामान को बाजार से डेली का डेली खरीदता है, खुले आटे पे आपने जीएसटी लगा दिया, उस गरीब आदमी को आप क्या संदेश देना चाहते हो? आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी गरीबी पे, गरीबी की गा पे भी बोलना नहीं चाहते हैं, महंगाई के माँ पे भी नहीं बोलना चाहते हैं। ये 2014 के पहले के माननीय प्रधानमंत्री जी के संबोधन थे। आज ये देश के प्रधानमंत्री हमें बतावें, देश में केवल 4 लोग ही राज कर रहे हैं, चारों गुजराती हैं, दो देश को चला रहे हैं और दो देश को बेच रहे हैं और दो देश को खरीद रहे हैं। सर, ठीक, अडानी अंबानी को खुश करने के लिए ये देश के 125 करोड़ की जनता को जो है इस तरीके से प्रहार पे प्रहार करते जा रहे हैं, जिसकी मैं घोर निंदा कर रहा हूँ। ठीक है सर, ठीक है। संजय गुप्ता जी हमारे साथ व्यापारी नेता के रूप में। संजय जी, राम बाबू रस्तोगी साहब ने बताया है
कि ये जो जीएसटी है इससे आम जनता के ऊपर, व्यापारी के ऊपर प्रहार पड़ेगा। क्या आप इनकी बातों से तारुफ रखते हैं या आपका कुछ और मत है कि इससे कुछ अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, कुछ और जो इनकम है सरकार की वो होगी? ये ताजुब का विषय है कि एक तरफ देश के व्यापारियों ने अपने श्रम से जीएसटी को रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचाने का काम किया, जीएसटी का जो कलेक्शन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। 1,67,000 करोड़ रुपया अभी पिछली तिमाही में जीएसटी के रूप में सरकार को मिला। एक तरफ सरकार गरीबों को अनाज फ्री में बांटने का काम कर रही है, दूसरी तरफ सरकार गरीबों के ही अनाज पर जीएसटी लगा रही है। 25 किलो तक के जो पैकिंग के नॉन ब्रांडेड या ब्रांडेड है सभी पर टैक्स उन्होंने लगा दिया। ये बहुत ही चिंताजनक है, निराशाजनक है। निश्चित रूप से इससे सरकार को तो राजस्व मिल जाएगा लेकिन आम जनता को समस्या आएगी, महंगाई बढ़ेगी। दूसरी तरफ जो व्यापारी अभी तक की जीएसटी में पंजीकृत नहीं होते थे, जो उससे मुक्त थे, उनको भी यदि इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना होगा तो उन्हें भी जीएसटी में पंजीयन कराना पड़ेगा। जीएसटी प्रणाली जो गुड एंड सिंपल टैक्स कैलकुलेटर के सरकार ने लगाई थी जी। वो लगातार विकराल रूप देती जा रही है। व्यापारी जीएसटी के मकर जाल में उलझता जा रहा है। ठीक है सर। सरकार चाहती क्या ये बात समझ में नहीं आ रही। अगर अस्पताल में कोई संपन्न व्यक्ति भी जाता है तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगाना क्या उचित है? कोई भी किसी को भी अस्पताल में जा रहा तब भी जीएसटी, खाना खाएगा तब भी जीएसटी। तो ये बहुत ही निराशाजनक है, ये गलत है। सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए। 26 जुलाई को हम लोग भोपाल में पूरे देश के व्यापारी नेताओं की एक बड़ी बैठक बुला रहे हैं, उसमें हम लोग देश के स्तर पर, एक पूरे भारत के स्तर पर इसके एक विरोध का हम लोग रूपरेखा उसमें बनाएंगे। क्योंकि अब पानी 100 से ऊपर उठता जा रहा है, 1100 से अधिक संशोधन जीएसटी में हो चुके हैं लेकिन अभी तक की जीएसटी काउंसिल भी उसको नहीं समझ पाई है, ना चार्टर्ड अकाउंटेंट ठीक से समझ पा रहे हैं, ना जीएसटी के अधिकारी समझ पा रहे हैं और ना ही व्यापारी समझ पा रहे हैं। ठीक है, लगातार जीएसटी को उलझाया जा रहा है। ठीक, मैं आता हूँ। नितिन यादव जी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से, शाही साहब इसके बाद फिर आपके पास आ रहा हूँ, सबके जवाब आप दीजिएगा। नितिन भाई, अखिलेश जी ने कल एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था गई सारी तनख्वाह, जीएसटी का एक नया उन्होंने प्ररूप दे दिया था, नया फुल फॉर्म बता दिया था। क्या कारण था, क्यों उन्होंने ऐसा कहा, क्या दिक्कत है? नितिन भाई जी, अब इस पे अगर कारण पूछेंगे तो मुझे लगता है कि हास्यास्पद है। इससे थोड़ा क्लियर कर देंगे ना तो शाही साहब के पास जब जाऊंगा तो थोड़ा जवाब लेने में आसानी रहेगी मुझे। नितिन जी की आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, प्लीज सही कीजिए। थोड़ा आवाज थोड़ा कुछ गड़बड़ था। हाँ बोलिए बोलिए, आ गई। तो अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले पार्लियामेंट में कुछ शब्दों पर सरकार ने बयान लगाया था जी। ये शब्द असंसदीय हैं। मुझे लगता है कि आज अब वो सारे शब्द एक साथ ही सरकार पर लागू होते हैं। अभी मैं आपको एक वीडियो भी चला के दिखा सकता हूँ और माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत लंबा नहीं, 2 साल पहले का बयान भी सुना सकता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी 2 साल पहले यही बात रिपीट कर रहे थे, अरे आटा महंगा, दूध महंगा, आटा दूध दही लस्सी, इस पर जीएसटी लगा दी। और क्या कारण है कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने फिर से आज वही कदम उठा लिया? क्या गरीब आदमी को आपने जीने का अधिकार छीन लिया है क्या इस देश में? सरकार का नैतिक कर्तव्य क्या था कि कुछ भी हो लेकिन गरीब आदमी को जीने का मौलिक अधिकार तो मिल जाना चाहिए। मेरा एक प्रश्न अभी आप भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी से पूछ लीजिएगा कि आपने 23 अरब और 78 खरब रुपए, 23 खरब और 78 अरब, संशोधन कर लीजिएगा, 23 खरब और 78 अरब रुपए चंद पूंजीपतियों का आपने देश में माफ कर दिया। क्या वो किसकी वो कमाई थी? इस देश के टैक्स पेयर का, गरीब का, किसान का, मजदूर का पैसा था, आपने वो माफ कर दिया और आपने घुमा करके उस गरीब आदमी को जिसके लिए ना रोजगार है ना आपने कोई
आय के संसाधन बढ़ाए हैं, न देश की कोई तरक्की हुई है। जब आपसे सवाल किए जाते हैं तो आप लगातार करोना करोना रोने लगते हैं और बहुत सारे कारण गिनाने लगते हैं, लेकिन ये खून चूसने के लिए सिर्फ और सिर्फ गरीब आदमी बचा है। क्या आप इस देश में गरीब आदमी का मौलिक अधिकार छीन लेना चाहते हैं? इससे पूर्व में भी सरकारें रही हैं जी। नैतिक कर्तव्य होता था कि सरकार को घाटा हो तो हो जाए, लेकिन गरीब आदमी को उसको जीने का अधिकार तो मिल जाना चाहिए। रोटी और कपड़ा और मकान, ये तीन मौलिक अधिकार गरीब आदमी के रहे हैं। शिक्षा उसके बाद हुई, शिक्षा को तो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, रोजगार को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया गया, देश के पीएसयू जो थे उनको आपने पूरी तरीके से बेच दिया। आखिर क्या कारण है कि आप लगातार देश को बेचते चले जा रहे हैं? और जब भी कोई घाटे की बात आती है, आपने रिजर्व बैंक का सारा रिजर्व फंड भी ले लिया और चंद पूंजीपतियों के आप पैसे माफ कर देते हो, वो किसी के पिताजी की कमाई नहीं है, इस देश के टैक्स पेयर की कमाई है, आम जनता की, गरीब की कमाई है। आप उनको माफ कर देते हो, गरीब जनता का इंजेक्शन लगा करके आज खून चूस रहे हो। अगर आपको कोई जुमलेबाज कह दे तो बुरा लगेगा, आपको फेकू कहे तो बुरा लगेगा, घमंडी कहे तो बुरा लगेगा, अहंकारी कहे तो बुरा लगेगा। आखिर आलोचना सरकार की विपक्ष किन शब्दों से करेगा? ठीक सर। तो आज पूरे का पूरा प्रदेश और देश गरीबी भुखमरी का दंश झेल रहा है। लोगों के पास रोजगार के कोई संसाधन नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती है, गरीब की दवाई नहीं हो सकती। आपने देखा कि लखनऊ के अंदर जिस तरीके से डॉक्टर मनोहर लोहिया हॉस्पिटल के जो एक रुपए का पर्चा होता था उसको आपने 100 रुपए करने का काम किया। तमाम अस्पतालों की स्थिति जहां दवाइयां मुफ्त होती थी पुरानी समाजवादी सरकारों में, आपने जबरदस्त महंगाई बढ़ा दी, उनके सारी जांचें महंगी कर दी, दवाइयां बंद कर दी, 1 रुपए के पर्चे को 100 रुपए पर्चा कर दिया। आज जो गरीब तिहाड़ी का मजदूर दिन भर में 150 रुपए कमा कर आता था, 200 रुपए 300 रुपए, तो वो शाम को अपने बच्चों के लिए आटा दाल चावल दूध यही चीजें खरीद के ले जाता था, शाम को बच्चों का पेट पाल देगा। आपने सब में इस तरीके की मार करके उस गरीब के जो पेट पे लात मारने का काम किया है, इससे निंदनीय और इससे ज्यादा घृणित काम हो नहीं सकता है। इससे साफ पता हो गया ये सरकार पूंजीवाद की पोषक और सामंतवाद की पिछड़गु हो गई। ठीक, मैं आता हूँ। शाही साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी से। शाही साहब, सबकी बातें आपने सुन ली, लगभग सबका मत यही है कि ये जो नई जीएसटी रिवाइज किया गया है, इससे कहीं ना कहीं आम जनता के साथ साथ व्यापारियों को समस्या है, इलाज भी महंगा हो गया, खाने पीने चीज़ें महंगे हो गई हैं। क्या कारण था, क्यों एक बार फिर से आप लोगों को रिवाइज करना पड़ा? 1100 से ज़्यादा बार इसमें जो बदलाव है वो किया जा चुका है। संजय जी भी बता रहे थे अभी कि 1100 से ज़्यादा बार इसमें बदलाव जो है वो हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ भी सही तरीके से सेट नहीं हो पाया। नितिन जी, मैंने सभी भाइयों को बड़े ध्यान से सुना, लगभग 25। बिल्कुल सर। और आपके माध्यम से प्रतिष्ठित चैनल है, काफी जनता आपके साथ सुनती है, फॉलो करती है, इसको सच्चाई भी जानने का हक है जी। तो निवेदन ये रहेगा, मेरे बीच में कोई नहीं बोलेगा और आपके माध्यम से थोड़ी सी सच्चाई भी जानने की कोशिश। बिल्कुल। देखिए, जीएसटी काउंसिल, जब जीएसटी नया नया आया तो कोई भी नई चीज आती है तो उसको लागू करने में, उसको बराबर चलाने में बहुत सी चीजें होती हैं। संविधान हमारा कब बना था देखिए, उसमें कितने अमेंडमेंट किए गए और अभी हम लोगों ने नहीं किया, कांग्रेस के जमाने से शुरू होता आ रहा है, तो उसमें भी अमेंडमेंट होता है, ऐसी चीज नहीं है कि अमेंडमेंट नहीं होगा। बिल्कुल। और अभी लगभग सभी भाइयों ने, हमारे कांग्रेस के भाई ने कहा, हमारे एक व्यापारी नेता है, इन्होंने कहा, तीनों लोगों ने, रस्तोगी जी ने भी कहा, सबने यही कहा कि यहाँ पर जो है जनता के साथ गुनाह किया जा रहा है, जनता को मार डाला जा रहा है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ, जब जीएसटी काउंसिल की बैठक होती है तो उसमें पूरे हर स्टेट के लोग रहते हैं, या तो मुख्यमंत्री रहते हैं, वित्त मंत्री रहते हैं, या उनका रिप्रेजेंटेटिव रहता है। और 8 राज्य ऐसे हैं कि जो विरोधी दलों की सरकार है, वहां बीजेपी की सरकार नहीं है जी। पिछले साल सितंबर में बैठक हुई लखनऊ में, डीजल पेट्रोल पर यही बात आई। डीजल पेट्रोल पर पहला विरोध किसने किया? केरला की सरकार ने। केरला के हाईकोर्ट ने यह कहा था कि डीजल पेट्रोल पर आप लोग जीएसटी लगाइए, केरल की सरकार ने। मैं भारतीय जनता पार्टी सरकारों की भी बात कर रहा हूं, इन्होंने भी कहा
और केरल की सरकार ने कहा कि 8000 करोड़ का हमारा नुकसान होगा। मैंने केरल का नाम इसलिए लिया कि वहां पर माननीय हाईकोर्ट ने उनको कहा था। वहां पर किसी भी दल की सरकारों ने नहीं कहा कि डीजल पेट्रोल पर जीएसटी लगाया जाए क्योंकि हमारा रेवेन्यू घट जाएगा। वही आज हुआ जब ये पिछला जो चंडीगढ़ की बैठक हुई, चंडीगढ़ की बैठक में सारा डिसीजन लिया जाता है, सब लोग वहां रहते हैं, किसी ने वहां विरोध नहीं किया। और आज चाहे अभी तो मैं राष्ट्रीय नेताओं की बात कर रहा हूं, उन लोगों ने भी बिना जाने किया। और आपके चैनल पर जितने लोग बैठे हुए हैं जी, इन भाइयों को उसकी सच्चाई नहीं पता है, उसके बावजूद भी यहां पर आकर उस चीज का को डिस्क्राइब कर रहे हैं। मैं अब आपको सिलसिलेवार बता रहा हूं, अभी हमारे सभी भाइयों ने कमोबेश कहा कि खुली हुई चीजों पर भी टैक्स लगा है, जीएसटी लगा है। मैं उनको बताना चाहता हूं कि वो पूरा मेरे पास है डेटा, मैं पढ़ के थोड़ा सा सुनाऊंगा, थोड़ा सा समय लगेगा, आपको मैं एक एक चीज बता दूंगा। देखिए, रिसेंटली द जीएसटी काउंसिल इज इट्स 47th मीटिंग, ये हुआ था, उन्होंने मीटिंग के लिए कहा, उन्होंने कहा कि लॉट ऑफ मिस कंसेप्शन अबाउट दिस दैट हैव बीन स्प्रेड, बहुत से मिसकंसेप्शन फैलाए जा रहे हैं, भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं, हियर इज थ्रेट टू द फैक्ट। अब ये फैक्ट पर आ रहे हैं और मैं ये बताना चाहूंगा फिर से कि जो ये खुले पर कह रहे हैं, खुले पर कहीं नहीं लगा है, जीएसटी उस पर लगा है नितिन जी, जो टेट्रा पैक और पैक पहले से पैक ब्रांड आ रहे हैं, ठीक है। इस पर मेरे पास पूरी लिस्ट है, 2016 तक की लिस्ट है मेरे पास, जब तक ये नहीं लगा था, जीएसटी नहीं लगा था, उन सभी प्रोडक्ट पर 4-5% और 6% तक वैट लगाया जाता था हर राज्य सरकारों पर। मेरे पास उसकी पूरी लिस्ट है और अभी मैं आपको बता दूं, देखिए अभी ये है, दिस इज द फर्स्ट टाइम सच फूड आर्टिकल्स आर बीइंग टैक्स्ड, मतलब कुछ वो किया गया है, क्वेश्चन मार्क है, नो स्टेट वेयर कलेक्टिंग सिग्निफिकेंट रेवेन्यू फॉर फूड ग्रेन द प्री जीएसटी रीजन, पहले से परचेज टैक्स लगाकर जीएसटी के बाद जो है वहां पर टैक्स लिया जाता है, जिसमें 2000 करोड़ पंजाब की सरकार ने परचेज टैक्स लगा के किया है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने 700 करोड़ का टैक्स लगाया है परचेज टैक्स काफी चीजों पर, फूड ग्रेड पर। और सबका है वैट का जो पहले से था, पंजाब में 5.5%, महाराष्ट्र 6%, चंडीगढ़ 5%, तेलंगाना 5%, ऐसे पूरी लिस्ट है। इसके बाद मैं उस पर आता हूं जो मैंने कहा कि अभी आप मैं आपको बताता हूं इसमें। इट्स मस्ट आल्सो बी नोटेड दैट आइटम स्पेसिफाइड बिलो द लिस्ट व्हेन सोल्ड लूज एंड नॉट प्री पैक्ड प्री लेबल्ड विल नॉट अट्रैक्ट एनी जीएसटी, यानी कि अगर कोई ये जो नीचे हम पढ़ेंगे अभी जी, इसमें अगर ये पैक नहीं है पहले से खुले हैं तो ये जीएसटी में नहीं आएंगे। ये देखिए इसमें है दाल और वो आटा, राइस, ओट्स, मैगी, राइस, आटा, फ्लोर, सूजी, रवा, बेसन और वो मोटा वाला चावल जो होता है, लस्सी और कर्ड जो हमारे यहाँ दूधिया और वो बेचते हैं, ये मैं आपको पूरा भेज दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये भ्रांति फैलाई जा रही है पूरे देश में, जबकि स्पष्ट है और सभी आपके वक्ताओं को, मैंने इसीलिए बड़े ध्यान से सुना सबको, हर भाई का आज बर्बाद कर दिया गया, जो मजदूर आएगा 100 रुपया कमा कर वो आटा खरीदेगा वो जीएसटी देगा, यही गलती है। आप लोग न तैयारी करते हैं, न पढ़ते हैं, न चीज के बारे में जानते हैं और टेलीविजन चैनल पर आकर भ्रांति फैलाते हैं, ठीक। अब मैं थोड़ा सा तथ्य अगर समय आप देंगे तो मैं और रख, थोड़ा सा जल्दी सर, फिर बाकी आगे मैं चले एकदम मैं रख दूंगा, उसके बाद हमको मौका मत दीजिएगा। देखिए इस देश में बहुत बड़े अर्थशास्त्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उसके पहले वित्त मंत्री थे, 13.5% जो अभी तक का हाईएस्ट खुदरा महंगाई दर है हुई थी 91 में, हमने जब हमारी सरकार आई 8.33 इन लोगों ने दिया था हमको, जिसको हम कोरोना के पहले 2.57 तक ले आए थे, आज भी 8% से ऊपर नहीं है, 7.79% है जी। और 2009 में 12% थी, तो ये चीजें जो है इन लोगों के समय में ये होता था, ठीक सर। और आज अगर चीजों को बढ़ाते हैं
आप गूगल कर देखिए, गैस सिलेंडर के दाम की बात करते हैं 1241 रुपया 1 जनवरी 2014 को गैस की, आज कहते हैं। मैं मानता हूं कि इन सब चीजों को थोड़ा और सस्ता होना चाहिए, लेकिन अगर ये लोग आकर तुलना करके देश को भ्रांति में डालते हैं वो वाजिब नहीं है। इन लोगों की कलाई खुल चुकी है सभी विपक्षी दलों। ठीक है शाही साहब, प्रदीप जी। जी देखिए अश्विनी भाई अभी बता रहे थे पूरा डेटा लेकर के बैठे हुए हैं कि इस पे ये नहीं है, उस पे वो नहीं है। देखिए भारतीय जनता पार्टी और उसके प्रवक्ता जो भी हैं वो क्या करते हैं, घुमाने का काम करते हैं, इधर से उधर चीजों को घुमाते हैं। अभी बता रहे थे कि पढ़ाई नहीं करते हैं, भाई पढ़ाई पे भी तो टैक्स लगा दिया, किताबों पे, स्टेशनरी पे टैक्स लगा दिया, बच्चे पढ़ेंगे कैसे। अभी आपने जो शुरुआती ओपनिंग में जो वीडियो दिखाया वो बालिका रो रही थी इसी वजह से, इनकी नीतियों की वजह से कि आपने पढ़ाई को भी नहीं छोड़ा, पढ़ाई छोड़ा ना, अस्पताल छोड़ा ना, खाने पीने की चीजें छोड़ा। आप बात करते हैं घुमाने के लिए, घुमाते रहेंगे, परेशान कौन होगा, परेशान होगा इस देश का आम जनमानस परेशान होगा। आप बात करते हैं कि हाँ हमारे समय में इतना महंगाई दर नहीं थी, इतनी महंगाई नहीं थी, भाई गरीबी में, गरीबी रेखा में आपने नाइजीरिया से आगे देश को पहुंचा दिया है, क्या टॉप पे लाने की सोच रहे हैं, पहुंचना था देश को नंबर वन पे, अमीरी में पहुंचा रहे हैं आप, गरीबी में धीरे धीरे लेकर के जा रहे हैं। आप बात करते हैं, आप देखिए ना डेटा देखिए तो आपको पता चलेगा कि देश कहां जा रहा है। कच्चे तेल के दाम जब आपको तुलना करेंगे, अगर 2014 से पहले जो कच्चे तेल का दाम था और डीजल पेट्रोल का दाम था तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस समय जब अगर 109 रुपए प्रति बैरल, 136 रुपए प्रति बैरल तक की गया तो पेट्रोल और पेट्रोल का दाम 72 रुपए और डीजल का दाम 55 रुपए तक रहता था। आपकी सरकार में अगर 75 रुपए तक की प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम आया फिर भी आपने क्या किया, उस पेट्रोल को 110 रुपए तक पहुंचाने का काम किया है। तो आप क्या कर रहे हैं, एक जो आम जनमानस है उसकी जेब से पैसा निकाल करके अपने उद्योगपति भाइयों को देना चाहते हैं। डेटा लेंगे तो आप देखेंगे हजारों करोड़ रुपया किस तरीके से माफ कर दिया जाता है। भाई मित्रों का क्यों माफ कर देते हो, एक आम जनमानस 1 लाख रुपए अगर आपकी बैंक से कर्जा ले लेगा तो आप उसकी संपत्ति कुर्की करवा देंगे, मगर एक तरफ आप अंबानी का माफ करते हैं और दूसरी तरफ राफेल की डील उनको करवा देते हैं। शाही साहब जवाब ले ले फिर मैं आ रहा हूं। शाही साहब देखिए अभी कई बार हमेशा लोग कहते रहते हैं कि ये अपने व्यापारी मित्रों को, मैं ये कहना चाहता हूँ चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री थे, किसके किस पार्टी के थे पूरा देश जानता है। अडानी पोर्ट आज जो है वो किसने उनको दिया था, वो उसी समय दिया था। हरियाणा में अभी इनके जो भूटा साहब मिनिस्टर थे तो पफर गोदाम बनाने का जमीन किसने दिया था, उन्होंने दिया था। साइलो बनाने के लिए पंजाब में अडानी को किसने दिया था, इन्होंने दिया था। राजस्थान की आज की सरकार है, कई सौ हजार करोड़ के सोलर प्लांट लगाने के लिए उन्होंने जमीन दी, इनको किस तरीके से दी ये सब जानते हैं है। तो इस पर कोई बहस नहीं है, लेकिन मैं डीजल पेट्रोल पर थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि मेरे पास एक आंकड़ा है 90 का, 90 में 9.84 रुपए पेट्रोल हुआ करता था नितिन जी, और जैसे ही 91 में इनकी सरकार आई 15.71 रुपए कर दिया था। इन लोगों ने कितने परसेंट बढ़ा था, 60% बढ़ा था। उस समय कौन सा डीजल उस पर अचानक युद्ध हो गया था या उस समय प्लेग आ गया था या कोरोना आ गया था, भ्रम फैलाते हैं ये लोग। मैं कहता हूँ पढ़ने लिखने की बात, मैं वही बताना चाहता हूँ ना, जब तुलना की। साहिब जी मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा वन नेशन वन टैक्स होना चाहिए देश में, क्या कारण था कि जीएसटी को लॉन्च किया और डीजल पेट्रोल को और एलपीजी को जीएसटी के दायरे में नहीं लेके आए, आज तक जीएसटी के दायरे में नहीं लेके आए, क्या कारण है? दिन प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल, दिन प्रतिदिन डीजल और पेट्रोल का रेट बढ़ता चला जा रहा है। आप बता रहे हो थोड़ा पढ़ लिख के आ जाए, खाली भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और उनके नेता ही पढ़े लिखे हैं, बाकी देश की जनता बेवकूफ थी जो भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। आप लोग जो गरीब आज सड़क पर उतर रहा है, गरीबों का वोट लेके प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगर इनको जीएसटी में संशोधन करना था, 5% लगाना था, तो उन गरीबों से जिन्होंने जिससे वोट लिया है उनसे वोटिंग करवाते चैनल के माध्यम से कि इस पे 5% का जीएसटी अतिरिक्त लगाया जा रहा है। मंडी के एंट्री टैक्स अभी तक बंद नहीं किया गया, मंडी परिषद के अंदर एंट्री टैक्स नहीं बंद किया गया, और दिनों दिन आज सिलेंडर देख लो 1241, आप आंकड़ा दे रहे हो कांग्रेस का कि 2014 जनवरी का 1241 देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, बहुत हुई महंगाई की मार और नहीं चाहिए कांग्रेस सरकार। आप तो महंगाई को कम करने आए थे, आपने कैसे एलपीजी को बढ़ा दिया, आप तो अच्छे दिन लाने वाले थे, आपने डीजल पेट्रोल को 70 कैसे पार करा दिया, आप अपनी बात करिए ना, 62.33 रुपए का डॉलर 80 कैसे पार करा दिया, ये बताइए ना, देश की जीडीपी का कितना कर्जा भारत ले चुका है ये भी तो बताइए, श्रीलंका की स्थिति आने वाली है ये भी तो बताइए देश के लोगों को। साईं जी से जवाब, साईं जी क्या कह रहे थे?
जी, जो भी सज्जन बोल रहे थे मैं देख नहीं पा रहा हूँ। रस्तोगी जी हैं, वरिष्ठ व्यापारी नेता हैं भाई, बोल रहे थे। अच्छा, नहीं व्यापारी नेता है एकदम है। मैं कहना चाहूंगा बुरा नहीं लगना चाहिए रस्तोगी जी, वन नेशन वन टैक्स का काम हमारी सरकार कर रही है और आप जो चिल्ला रहे हैं, जो अच्छे व्यापारी हैं, जो काम करने वाले व्यापारी हैं, उन व्यापारियों को जीएसटी से कोई खतरा नहीं है। हम लोग पहले जाते थे मिठाई की दुकान पर, किसी जगह जाते थे, कहते थे 1 किलो मिठाई दे दो, उस पे 8 टैक्स जोड़कर वो बिल बनाकर दे देते थे, लेकिन कोई टैक्स सरकार के खाते में नहीं जाता था। और आज आप जाते हैं, अगर आप कार्ड से पेमेंट करते हैं वो टैक्स सरकार के खाते में जाता है, तो जो चोर व्यापारी था वो उससे दुखी है, और जो ईमानदार और सच्चे व्यापारी थे आज देश में, देश के उत्थान में हाथ दे रहे हैं सब लोग। आपके तरफ भरम नहीं फैला रहे हैं, आप व्यापारी नेता है, सुनिए, आप व्यापारी नेता है और आप यहाँ आकर भरम फैला रहे हैं कि खुले में टैक्स लगाया जा रहा है। कहाँ आपके पास कौन सा सर्कुलर आया है? खुले में टैक्स कहाँ लगा है? फर्जी भरम मत फैलाइए, फर्जी भरम मत फैलाइए, फर्जी भरम मत फैलाइए, भरम मत फैलाइए। आपके पास नितिन भाई, नितिन भाई आऊंगा, नितिन भाई आऊंगा, प्लीज। आप व्यापारियों को चोर बता रहे हैं, माननीय, अपने जवान को लगाम दीजिए, अपने हमारी जवान को लगाम व्यापारी नहीं है, चोर हम नहीं होता है। व्यापारी किस जगह लगा है? टैक्स देता है, कहां व्यापारी के द्वारा दिए गए टैक्स से सरकार ही चलती है। किस खुले पर लगा है जीएसटी बताइए, आज खुले आठे पर जीएसटी लगा है, भरम फैलाएंगे आप तो जानते नहीं है, टेलीविजन चैनल पर चल देते हैं, भाषण दे रहे हैं आप, जानकारी रखिए, उसके बाद बनिए नेता व्यापारी नेता, कहने पर नहीं हो जाएगा। लंबा कुर्ता पहन के चले आते हैं यहाँ पर, वो कर रहे हैं सवा सौ करोड़ जनता वो व्यापारियों को चोर बताएंगे, वही चोर व्यापारी टैक्स देते हैं तब देश का राजस्व मजबूत होता है, उन्हीं व्यापारी के द्वारा आप दे रहे हैं और आपके तरह नेता उनका उत्पीड़न करते हैं। ये व्यापारी नेता के नाम पर आकर यहाँ पर जो है आप बहस करते हैं, लोगों को मूर्ख बनाते हैं और कहते हैं कि हाँ खुले पर लग रहा है, खुले के ऊपर लग रहा है, खुले आटा पर लग रहा है, यही व्यापारी जो है इन्हीं टाइप के व्यापारी लोग गलत है। ठीक है, ठीक। नितिन भाई क्या कह रहे थे? संजय जी आ रहा हूं इसके बाद आपके पास। हाँ नितिन जी बोलिए। नितिन जी जी, इससे ज्यादा निंदनीय और इससे ज्यादा घृणित और इससे ज्यादा दुख की बात नहीं हो सकती है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी में बैठ करके व्यापारी को चोर बताने का काम कर रहे हैं और यहाँ बैठ करके सत्यनारायण की कथा पढ़ रहे हैं। उन्होंने सारे व्यापारियों को नहीं कहा था, हाचा के जिसको कहा था वो चोर है। चोर का मतलब चोर है, व्यापारी चाहे सारा हो चाहे जो, सभी व्यापारी टैक्स देते हैं। मैं बिल्कुल मानता हूँ। चोर का शब्द जो है बैठ के जेल में व्यापारियों को दोगे, मैं व्यापारी नेता हूँ, मैं नहीं बता सकता, व्यापारी को चोर कहोगे मैं नहीं सुनाऊंगा। हमारे व्यापारी को चोर बताएंगे, व्यापारी के द्वारा दिए गए टैक्स से सरकार वहाँ पे संसद भवन में कैंटीन चला रही है, वहाँ 5 रुपए की कॉफी पी रही है, 7 रुपए का खाना खा रहे हैं। अरे गरीब मजदूरों को देखो, गरीब मजदूरों के ठीक है। रस्तो यहाँ नितिन भाई पूरी कीजिए बात। रस्तो जी मुझे अपनी बात, एक मिनट, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का एक बयान आप लोगों को सुनवा रहा हूँ, एक मिनट आप जरा इस बात को सुन लेंगे, बहुत आपको पता चलेगा कि ये जो बैठे भारतीय जनता पार्टी के। नितिन जी सबसे ये पूछ लीजिए, आखिर इन लोगों ने भ्रम क्यों फैलाया कि खुले पर टैक्स लग रहा है? बस एक सवाल पूछ लीजिए, ये भाषण देना ये लोग बंद कर। सुन लीजिए प्रधानमंत्री जी की आवाज सुन लीजिए। अरे सुन, प्रधानमंत्री जी की सुन रहा हूँ, हम रोज सुनते हैं, आप लोग यहाँ पर क्यों भ्रम फैला रहे हैं देश के सामने? खुले आटे पर लगा है, चश्मा लगा लीजिए, देख लीजिए प्रधानमंत्री जी क्या बोल रहे हैं। दही लच्ची छाछ इस पर भी सुनते रहिए, आप लोग भ्रम फैलाते रहिए इस तरीके से। प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला आज आप लोगों ने यहाँ क्या बोला वो सुनिए। अरे देख लीजिए आप के वजीरे हैं, कौन से खुले पर टैक्स लगा है आप बताइए, कम है तो बताइए, राष्ट्रीय चैनल पर आप बैठे हैं बताइए, बताइए दम रखो। आप किस देश की बात कर रहे हो साहिब साहब, कम से कम सच्चाई तो आप टिके रहो। कौन से खुले आइटम पर टैक्स लगा है जरा बता दीजिए, नितिन भाई पूरी जी एक मिनट मुझे बात। हाँ बोलिए बोलिए, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। ये इस देश में अगर इन्होंने व्यापारी को चोर कहा है, मैं आज चैनल पे बैठ करके दावे के साथ कह रहा हूँ, इस देश में प्रधानमंत्री से बड़ा कोई चोर नहीं है जिसने पीएम केयर के नाम से एक फर्जी संगठन बनाया और जिसका एड्रेस
प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ एक्स का रखा और उसका जो ये तो है, ये तो सपाइयों की आदत है पुरानी भाई। सपा लोग क्या कहेंगे, राहुल गांधी ने जो है चोर चिल्लाया, माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत गाली मिलती है। राहुल गांधी भी कहते थे चौकीदार चोर है, क्या करना पड़ा, माफी मांगना पड़ा उनको। देश का व्यापारी उसमें दान दे और हमारे जैसे तमाम लोगों ने दान दिया है, आपने उस पैसे को क्या उपयोग किया है? अगर वो सरकारी फंड नहीं था, प्रधानमंत्री उसका चेयरमैन कैसे हो सकता है? ये सरासर चोरी है, इस पैसे को चुराया है देश के प्रधानमंत्री ने। और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आज मैं मुंह में काली पोतने का काम करता हूँ। अगर उत्तम संवैधानिक पद पर नहीं होते तो आप प्रधानमंत्री के मुंह पर काली पोत देने का काम किया जाना चाहिए था। ऐसे झूठे प्लीज इस तरह के बयानों से बचिए थोड़ा, प्लीज प्लीज। जो टोटी लेकर गए थे वो क्या किए थे? ये शाही जी व्यापारी को चोर कह रहे हैं, मैं कहूंगा पूरी की पूरी टोटी लेकर गए थे, उन्होंने क्या किया था नितिन भाई? जिसने गरीबों के साथ छलावा किया, दो साल पहले वही प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अरे भाई टोटी क्या करके गए थे, मांग के ले गए थे उधारी, टैक्स नहीं लगेगा। और आज आपने टैक्स लगा करके टोटी उधारी मांग कर ले गए थे नितिन भाई, बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी ने एक विकास किया है, सुन लीजिए। सरकारी टोटी क्या करने ले गए थे? देश का सबसे बढ़िया सबसे ऊंची इमारत भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय 7 स्टार होटल से बढ़िया दिल्ली में बनाया है। प्रधानमंत्री जी ने चाय बेच के सभी देश के पूरे भारत देश के राज्यों के हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय, ठीक है प्लीज प्लीज रखो, ठीक है संजय भाई मैं फंसाने का काम करेंगे, ठीक है ठीक है संजय संजय शाही साहब ने काफी कुछ कहा, आप इससे कितना चोर कहेंगे, ठीक है नितिन भाई आऊंगा, इससे ज्यादा निंदनीय, ठीक है संजय जी। महोदय से कहता हूँ कि उन्होंने जो व्यापारियों को चोर कहा वो सब तत्काल वापस लेते हुए क्षमा मांगे, यदि ये क्षमा नहीं मांगते तो ये डिफेक्ट इतना बड़ा होने जा रहा है। मान लिया भाई, क्षमा मांग लिया, अगर आपको बुरा लग रहा है वो क्षमा मांग रहे हैं, वो क्षमा मांग रहे हैं, उन्होंने कई बार बोला कि मैं शब्द में जल्दी जल्दी में निकल गया, मैं क्षमा मांगता हूँ इसके लिए, उन्होंने बोला क्षमा मांगता हूँ। शाही जी आप इतने अच्छे प्रवक्ता हैं, इतने अनुभवी नेता हैं, पता नहीं कैसे ऐसे शब्दों का आपने चयन कर लिया है। खैर आपने क्षमा मांगा, मैं आपकी बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन व्यापारी चोर नहीं होता है, व्यापारी टैक्स देता है, व्यापारी के द्वारा। संजय जी संजय जी कि जीएसटी रिकॉर्ड तोड़ हुआ, जैसे पहले बताया कलेक्शन देश में हो रहा है जी, क्या वजह थी कि सरकार को खाद्यान्न पर बढ़ाना पड़ गया? अब इस पर नुकसान किसका होगा? जो भी आप कह रहे थे 25 किलो और 25 लीटर हाँ। उससे कम की प्री पैकिंग, चाहे वो ब्रांडेड हो चाहे नॉन ब्रांडेड हो, ठीक है, उस पर सभी पर 5% जीएसटी लागू हो गया है। अब 25 किलो से कम कौन खरीदता है? जो सामान्य व्यक्ति होता है, जो छोटा व्यक्ति होता है, जिसकी आय कम होती है, वही व्यक्ति 25 किलो से कम खरीदता है। यानी कि जो आपने लूज की बात की, लूज पे टैक्स नहीं पड़ेगा, लूज पे टैक्स नहीं पड़ेगा, लेकिन 25 किलो से कम की पैकिंग वालों पर, चाहे ब्रांडेड हो चाहे नॉन ब्रांडेड हो, पड़ेगा। इसका सीधा सीधा असर यह है कि छोटे कम आय वालों को, लोगों को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी या सरकार केंद्र की ये चाहती है कि जिनकी कम आय है उनको ब्रांडेड ना मिले, उनको अच्छा भोजन ना मिले, अच्छा खाद्यान्न ना मिले, तो बात अलग है। लेकिन यदि वो चाहती कि देश के हर व्यक्ति को अच्छा अनाज खाने की उसके अधिकार है, तो सरकार को तत्काल प्रभाव से ये फैसला वापस लेना चाहिए। साथ ही साथ तमाम आइटम ऐसे थे जिन पर 12% का टैक्स लगता था। अभी जो बात आई स्टेशनरी की, आप देखिएगा तो उसमें पेंसिल पे, शार्पनर पे और तमाम चीजों पर एलईडी लाइट भी, उसको भी 18% बता दिया। एलईडी लाइट खरीद की आवश्यकता की बात है, एक तो सरकार बिजली बचाने की बात करती है, दूसरी एलईडी लाइट दोनों पे 18% कर दिया। प्लेट पे, कैंची पे, पेपर पे, पेंसिल पे, शार्पनर पे, चम्मच पर, कांटे पर, ये सब पर जो है 12% था, इसको 18% कर दिया। बैंक में चेकबुक, सेविंग अकाउंट की चेकबुक हो चाहे करंट अकाउंट की चेकबुक हो, चेकबुक से जो पैसा, चेकबुक जो अभी तक की हम लोग को मिलती थी, चेकबुक के जो चार्जेस पड़ते थे उस पे भी जो है जीएसटी कर दिया। ऐसी स्थिति में सरकार जो है लगातार हर एक को कहीं ना कहीं जीएसटी वसूलने के चक्कर में है, जिसकी वजह से तमाम चीजें महंगी हो रही है। एक तो सरकार कहती है कि सब चीजें आप बैंक के माध्यम से कीजिए, बैंक के माध्यम से पेमेंट कीजिए, अधिकतर पेमेंट जो है बैंक के माध्यम से होना चाहिए, अलग से पेमेंट ना हो, डिजिटल पेमेंट हो, लेकिन हर चीज की सर्विस टैक्स पे आप जब टैक्स लगाए हुए, चेकबुक का आयुष्य बैंक सब भी टैक्स है, बैंक जो एसएमएस भेजता है उस एसएमएस की
सर्विस में भी जीएसटी टैक्स है, हम आईएमपीएस जो पैसा निकालते हैं उसमें भी टैक्स है, तो सरकार चाहती है, सरकार खुद कंफ्यूज है और ये ब्यूरोक्रेसी सरकार को चला रही है जिसकी वजह से चीजें दिक्कतें आ रही है। अब आप अगर हर चीज पर जीएसटी लेंगे तो सामान्य व्यक्ति कैसे सर्वाइव कर पाएगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब जो व्यापारी वर्ग है या जनता है उसका विषय समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी नहीं है, उसका विषय यह है कि उसको चीजें सस्ती कैसे मुहैया हो, उसको आय कैसे बढ़े, उसे कम ब्याज पर पैसा कैसे मिले, उसको रोजगार कैसे मिले। लेकिन बहुत दुख का विषय है कि सरकार जिस सब ध्यान कम दे रही है, ज्यादा ध्यान दूसरी जो संगति भरी चीजें हैं उस पर ज्यादा ध्यान दे रही है। अब आदर्श व्यापार मॉडल ये मांग करता है आपके चैनल के माध्यम से जो 5% 25% से कम के प्री पैकिंग आइटम पर लगाया जाए इसको तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। ये देश की जनता के हित में नहीं है, ये नुकसानदेह है, इससे सभी को नुकसान होगा, ये कहीं से भी बहुत फायदेमंद नहीं है और सरकार का राजस्व इससे बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा लेकिन व्यापारियों को उत्पाद निश्चित रूप से बढ़ जाएगा क्योंकि ऐसे तमाम व्यापारी जिनको इनपुट टैक्स का क्रेडिट लेना है उनको जीएसटी में पंजीयन लेना पड़ेगा और 40 लाख से कम वाले व्यापारियों को पंजीयन से मुक्त रखा गया था। अब अगर उन व्यापारियों को पंजीयन मुक्त रहना है तो या तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कर लेंगे, अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट लेंगे तो उनको जीएसटी में पंजीकरण करना पड़ेगा। तो जो आपने 40 लाख वाला विषय था वो विषय आपका पीछे हो गया। तो सरकार कहीं ना कहीं कंफ्यूज है जीएसटी को लेकर के, व्यापारी उलझता चला जा रहा है। अभी देखिए आपने जीएसटी के ट्रिब्यूनल का गठन नहीं किया, व्यापारियों का उत्पीड़न हो रहा है। अभी तमाम मेरे पास विषय है जो मैं आपको उदाहरण देकर बता सकता हूँ। अब आपको सीधे हाईकोर्ट जाना पड़ता है, विवेक का अभी भी लगातार इस्तेमाल हो रहा है। जिस समय जीएसटी लगाया गया तो उस समय कहा गया कि सर्वे छापे नहीं होंगे, लेकिन अभी भी एसआईटी लगातार हो रही है। कुल मिलाकर व्यापारियों को जीएसटी के मकर जाल में सरकार ने उलझा दिया है, ये कहीं भी न्याय संगत नहीं है। ठीक है संजय जी, ठीक है ठीक है। शाही साहब क्या जवाब देना, फिर प्रदीप जी के पास चलते हैं। देखिए संजय जी ने जो है जो लिस्ट गिनाया और बार बार कहा कि सरकार कंफ्यूज है, चलिए हम आपकी बात ही मान लेते हैं सरकार कंफ्यूज है। वहां पर जीएसटी काउंसिल में मैं बार बार कह रहा हूं कि 8 राज्य जो भारतीय जनता पार्टी शासित नहीं है जी, वो भी विरोध कर रहे हैं, क्या वो भी कंफ्यूज है या उनका दोहरा चरित्र है? वहां पर वो दूसरी बात करते हैं, यहां आकर दूसरी बात करते हैं। चलिए आप व्यापारी नेता हैं, आप यहां पर व्यापारी को बीच में रहते हैं, जनता के बीच में हैं, तो क्या वो नेता वहां पर नहीं है जनता के बीच में? उन लोगों ने सर्वसम्मति से इन सब चीजों को कराया है क्योंकि उनका राज्य सरकारों का भी उसमें अंशदान होता है, वहां भी जाता है चीजें। और रही बात अभी जो भ्रम फैलाने वाली बात, अभी 5 लीटर और 20 लीटर की आप बात कर रहे हैं, संजय जी कुछ कह रहे हैं। हाँ, संजय जी जो विश्व की सबसे अच्छी प्रणाली थी वो भारत में आके अपने मूल स्वरूप को, अपनी मूल अवधारणा को खो चुकी है। भारत में संघीय ढांचे की वजह से स्टेट के हित बचे रहे, सेंट्रल के हित बचे रहे, जनता का कुछ भी हो जाए इसके कौशल बोलते नहीं है। अब आपको कुछ कहने का अधिकार इसलिए ज्यादा नहीं होगा कि मैक्सिमम राज्यों में अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, अगर 2-4 राज्यों में फिर दूसरे दल की सरकार है भी तो फिर दायित्व आपका ही बनता है। केंद्र का कमान तो माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, संशोधन करने का पूरा उनका जो है हस्तक्षेप करने का जो है अधिकार है उनका। जब जीएसटी काउंसिल है तो माननीय प्रधानमंत्री जी पर बात क्यों डाल रहे हैं भाई आप? अरे प्रधानमंत्री जी के ही नेतृत्व में तो फाइनेंस मिनिस्टर है, फाइनेंस मिनिस्टर है, लेकिन जो 8 राज्य है उनको कहिए कि मना करें, वो वहाँ विरोध करें। आप 8 राज्य को छोड़ के बाकी राज्यों को देखिए, जो छोड़े भाई बाकी राज्यों को देखिए। अगर किसी राज्य में आपने कम आप अगर किसी राज्य में आप संशोधन करेंगे तो आप कहने के हकदार तो हो जाएंगे कि मैंने संशोधन करके दिखाया, 8 राज्यों में ये भी करके दिखावे, तभी तो। हाँ, हमने किया था। सुनिए मैं बता रहा हूँ, जब पिछली बार जब डीजल पेट्रोल पर वैट कम किया था उत्तर प्रदेश में, तो महाराष्ट्र ने नहीं कम किया था, केरला ने नहीं कम किया था, दिल्ली ने नहीं कम किया था, हमने तो दिखाया था, हमने किया था, हमने किया था। ठीक है प्लीज, जब आप चश्मा ही बदल लेंगे, चश्मा ही पहन लेंगे, अरे भाई जब आपके आपके चश्मे में भाजपा का लेंस लगा रहेगा, जनता का दुख दर्द कहाँ समझेंगे आप? ठीक है प्रदीप भाई पूरा कीजिए, क्या कह रहे हैं? देखिए जैसे कि अभी प्रवक्ता महोदय जो है भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने हमारे व्यापारी भाइयों के लिए जो शब्द का उपयोग किया, चोर शब्द का, उसके लिए माफी मांगी उन्होंने, ठीक है,
माफी मांग ली, माफी तो प्रधानमंत्री जी ने भी मांग ली जिन किसानों को आतंकवादियों से जोड़ दिया गया। देखिए भारतीय जनता पार्टी को अपना विरोध बर्दाश्त नहीं होता है। वो अगर आप पत्रकार हैं, पत्रकार रूप में अगर आपने इनकी सच्चाई छाप दी, इनके बारे में दिखाने लगेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। किसान विरोध करेगा तो किसान को आतंकवादी बता देंगे, व्यापारी भाई आज अगर इनका विरोध कर रहे हैं तो उनको चोर बता देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी को ये बात हजम नहीं होती कि कोई उनका विरोध करे। बात कर रहे थे कि राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री जी को चोर बोल दिया, चौकीदार चोर है भाई। जिस देश में ये कहा जाएगा कि मैं चौकीदार हूं और चौकीदार के रहते हुए इस देश का हजारों करोड़ रुपया लेकर के मेहुल भाई लेकर के चले जाते हैं, जिनके साथ में प्रधानमंत्री जी फोटो खिंचवाते हैं, नीरव मोदी लेकर के चले जाते हैं, जिस देश में चौकीदार इतना सजग रहता है, विजय माल्या हजारों करोड़ रुपए लेकर के चले जाते हैं देश की। इस देश के गरीब जनता की कमाई का पैसा अगर कुछ व्यापारी बंधु जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो उनके मित्र की श्रेणी में आते हैं, लेकर के चले जाते हैं, चौकीदार की नाक के नीचे से लेकर के चले जाते हैं, तो क्या कहा जाएगा? क्या संशय नहीं उत्पन्न होता कि चौकीदार का भी उसमें शेयर था? क्या संशय नहीं उत्पन्न होगा? तो देश में इस देश का आम जनमानस भी कहने पे मजबूर हो जाता है कि देश का चौकीदार जो है वो चोर है। मांगा था उस पर क्यों माफी मांगा था राहुल गांधी ने? अगर वो थे बताइए ना कि कैसा चौकीदार था, आपको बताना चाहिए इस देश का कैसा चौकीदार है वो, जिसकी चौकीदार की नाक के नीचे से हजारों करोड़ रुपए देश की गाड़ी कमाई चले करके चले जाते हैं, वो चौकीदार क्या कर रहा था? चौकीदार कहाँ था वो बताना चाहिए। ठीक है नितिन जी, क्या कह रहे हैं? कह रहा हूँ जिस तरीके की अभी हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के पूरी सत्यनारायण की कथा पढ़ रहे थे और हम लोग बता रहे थे कि हम लोग यहाँ पर बैठ करके गुमराह कर रहे हैं, हम लोग भ्रामक प्रचार कर रहे हैं। अभी मैंने आपको माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वयं का वीडियो सुनाया, वो जो यही बात बोल रहे थे। दूसरी बात, ये बार बार दूसरों को चोर बताने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अभी आंकड़े दिए कि 23 खरब और 78 अरब रुपए ये जो माफ किए गए ये किसके थे? ये क्या माननीय प्रधानमंत्री के मित्र नहीं थे? तीसरा सबसे बड़ी मेरा प्रश्न आज की डेट पर इस चैनल के माध्यम से भी है और इस बात को जरूर उठाया जाए कि पीएम केयर्स नाम से आप संस्था बनाते हैं जिसका कार्यालय प्रधानमंत्री कार्यालय पर होता है साउथ ब्लॉक पर, उस पर भारत का जो चिन्ह है अशोक की लाट वो उसका लोगो होता है, माननीय प्रधानमंत्री खुद उसके चेयरमैन है, माननीय गृह मंत्री उसके सदस्य हैं, माननीय रक्षा मंत्री उसके सदस्य हैं, माननीय निर्मला रमन जी जो फाइनेंस मिनिस्टर है ये उसकी मेंबर है। क्या ये संस्था सरकारी है? आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ठीक है जवाब के माध्यम ये कह रहे हैं क्या ये संस्था सरकारी है? अगर ये सरकारी नहीं है, ये सीएजी के अंडर में जांच नहीं हो सकती, तो इसमें जो पैसा आया है उसका उपयोग आपने कहाँ किया है, किस मद में किया है, कौन से कार्यालय बनवाए, जरा आप जरा इसका उदाहरण दे दें। तो हाँ ना में जवाब दें, क्या संस्था सरकारी है? अगर नहीं है तो पीएम कैसे अपील करके कोरोना की महामारी में आपदा को अवसर के रूप में आपने कैसे बनाया? ठीक है, देश के हजारों करोड़ आरटीआई के दायरे से बाहर भी रखा गया है, आरटीआई के दायरे से बाहर रखा गया कि कोई जानकारी आप ले नहीं सकते हैं। ठीक है शाही साहब जवाब दे दीजिए फिर खत्म करता हूँ। नितिन जी देखिए, कोरोना में राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक सबने मांग कर देख लिया है, सबको जवाब मिल गया था और अब ये प्रवक्ता लोग मांग रहे हैं, तो अपने नेताओं से पूछ ले, उनको जो जवाब मिला था वो जवाब इनको वहां से मिल जाएगा। देश में कहीं कोई सारी पारदर्शिता है, जितना पैसा आया है उसका एक सही सदुपयोग किया जा रहा है। अभी कल या परसों पहले से प्रधानमंत्री रात को मौजूद था तो आपने अलग से बनाने की क्या जरूरत थी? प्राइवेट फंड बनाने की क्या जरूरत थी? वही उसी पीएम के उसका कहां उपयोग हो रहा है? हर प्रदेश में बड़े बड़े कार्यालय बनाने में उपयोग हो रहा है। भाई साहब आप इस बात को छुपा नहीं सकते हैं, किसी ने जवाब नहीं दिया कि खुले पर कहां लगा है, किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया नितिन भाई कि खुले किस गेहूं पर, किस आटे पर, किस चावल पर, किस दाल पर टैक्स लगा है, वो जवाब नहीं दिया किसी ने, और यहाँ बैठकर सब लोग पीएम केयर फंड से बात कर गए। नितिन जी एक बात, नितिन जी ये जो 5% की जीएसटी लगी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से इसका दुर्विरोध करता हूँ और पुरजोर विरोध करता रहूंगा, और परसों 21 तारीख को शाम को 4 बजे सैकड़ों व्यापारियों के साथ नावेल्टी टाकिस से
से लेकर और जीपीओ तक पदयात्रा निकाल के लखनऊ के जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से ज्ञापन देके प्रधानमंत्री जी को भेजूंगा। ठीक सर धन्यवाद धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस डिबेट में जुड़ने के लिए और अपना अपना पक्ष रखने के लिए। तो एक बहुत ही अहम मुद्दा था जिस पर आज हमने चर्चा की और ये मुद्दा इसलिए अहम है क्योंकि ये मुद्दा हमारे और आपके जेब से लेकर के हमारे और आपके पेट तक जुड़ा हुआ है क्योंकि जेब से इतना जो टैक्स है हम अदा कर दे रहे हैं हमें खुद नहीं पता चल रहा है कि किस सामान का हम कितना पैसा दे दे रहे हैं और उसमें कितना हिस्सा कितना बड़ा हिस्सा टैक्स के नाम पर चुकाना पड़ रहा है। तो फिलहाल सरकार की तरफ से ये जो 5% टैक्स बढ़ाया गया है इससे कहीं ना कहीं खाद्य पदार्थों पर काफी असर पड़ा है और उसका सीधा असर जो होगा वो आम जनमानस पर पड़ेगा। देखना ये होगा कि आगे क्या फैसले लिए जाते हैं। आज के इस डिबेट में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।